मैं पैसे ऐसे खर्च करती हूँ जैसे मैं ब्लैक मनी कमाती हूँ। कमा मैं ढंग से वाइड भी नहीं पा रही हूँ। मैं QR स्कैन करके फिंगर क्रॉस कर लेती हूँ कि आज पेमेंट होगा या बेइज्जती। मुझे कोई दुख नहीं है कि 2000 की नोट बैन हो गई। 100 रुपए नहीं थे मेरे पास। वैसे 2000 की नोट की चिप में मेरा कोई डेटा इकट्ठा नहीं हो पाया होगा क्योंकि कभी थे ही नहीं मेरे पास। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि अगर मेरे घर में चोरी हो तो चोर कुछ कैश रख के चला जाएगा। मैं कैशलेस ट्रांजैक्शन कर करके कैशलेस हो चुकी हूँ। मैं वो पैसे खर्च कर दे रही हूँ जो मेरे पास हैं भी नहीं। बैंक वाले फोन करते रहते हैं, मैडम क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। ले तो लूंगी भैया, मैं भरूंगी कहाँ से। लोग कहते हैं मेरे पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। नहीं भैया, मेरे पास मनी नहीं है। ये सारे आप सेल की नोटिफिकेशन मुझे क्यों भेजते रहते हैं? इनकी सेल के चक्कर में किसी दिन मुझे किडनी सेल करना पड़ जाएगा। सेविंग्स के नाम पे सिर्फ कूपन कोड बचे हैं मेरे पास। मैं 26-27 तारीख को कपड़ों का ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ और प्रे करती हूँ कि ऑर्डर से पहले सैलरी आ जाए। तुम लोगों को नेपोटिज्म से इतनी नफरत है। मैं तो इसी चक्कर में हूँ कि पिताजी की जमीन पड़ी है, बेच लूंगी। घर वालों को लग रहा है कि मेरी शादी की उम्र हो गई है, मैं बच्चे संभाल लूंगी। मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ। कल ही मैंने मैगी कच्ची खा ली। फैमिली फंक्शंस में शॉर्ट ड्रेस पहन के जाओ तो गालियाँ मिलती हैं और साड़ी पहन के जाओ तो रिश्ते ही मिल जाते हैं। एक आंटी है, जब मिलती है कहती है बेटा शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। आंटी आपका सब ठीक हो गया? कह रही है तुम आजकल के बच्चे शादी में मानते ही नहीं हो, नए नए कॉन्सेप्ट ले आए हो डाइवोर्स जैसे। आंटी डाइवोर्स बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और सबसे पहले तो आप ही को ले लेना चाहिए था। पर आप लोग डाइवोर्स में कहाँ मानते हो? आप तो मानते हो कि साथ रहना है और इतना कलेश करना है।